हाय एवरीवन, सी प्लस प्लस इस वीडियो सीरीज में मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर, जिससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि सर कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक स्पेशल तरह का फंक्शन होता है, पहला चीज। सेकेंड थिंग इज़ क्या कि जिस क्लास के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं एज इट इज़, उस फंक्शन का नाम या फिर मैं कहूँ उस कंस्ट्रक्टर का नाम उसी क्लास के नाम से होना चाहिए, उसी क्लास के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं void फंक्शन या int फंक्शन, इसमें void या int ऐसा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। एंड ये एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होना चाहिए, ना कि स्टैटिक, मतलब इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं और डिटेल में आपको समझाऊँ तो कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है किसी भी क्लास का, जैसे ही जैसे कि जिस कोई भी हम लोग क्लास बनाएं, ठीक है, उस क्लास का हम लोग जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएं वैसे ही कंस्ट्रक्टर में जो भी फंक्शन होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी में सबसे पहले चलने वाला जो फंक्शन होगा उसे हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बना वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी साथ साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ कंपाइलर पे। जैसे कि मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास बॉक्स, ठीक है, एंड बॉक्स के अंदर मैं करता हूँ पब्लिक पब्लिक एंड इसके मतलब इंट लेंथ। यहाँ तक क्लियर? बस मैंने लेंथ नाम का बनाया एंड मैं चलो ब्रेथ भी कर देता हूँ, इंट len gth, ठीक है, nbreadth, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ मैंने दो वेरिएबल बनाए। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर मैंने क्या बताया था कि नाम क्या होना चाहिए, जो क्लास का नाम होगा, ठीक है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, int या void ये सब चीज़ हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे बॉक्स जो कि क्लास का नाम है, ना कॉमा, एंड अब हम लोग देंगे सी आउट, कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया, एंड डन, लाइन चेंज कर देंगे। अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं बॉक्स का मान लो b1, ठीक है, अब जैसे ही मैंने b1 बनाया वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक लाइन प्रिंट कराना है कि कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। चलिए मैं करके देखता हूँ, मैंने प्रोग्राम रन कराया, बिल्ड सक्सेस, यस कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। मतलब मैंने कुछ कोड में लिखा भी नहीं, देखिए मेन ब्लॉक में मैंने क्या लिखा है, मेन ब्लॉक में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, ये हुआ हमारा मेन ब्लॉक। एंड मेन ब्लॉक मैंने सिर्फ एक डेटा टाइप बनाया जो कि मैं क्लास बनाया एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही कंस्ट्रक्टर चल पड़ा। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर वैसे ही रन कर जाता है। मैं कह देता हूँ इसे दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एंड इसका नेम सेम है, कंस्ट्रक्टर का नाम कंस्ट्रक्टर नेम इज इक्वल टू क्लास नेम, जो भी क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। यहाँ तक क्लियर? अब मैं बात कहूँ कि कंस्ट्रक्टर का सर बेसिकली यूज़ क्या है। कंस्ट्रक्टर का जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो हम लोग करते हैं किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब कि कोई भी जो हम लोग वेरिएबल है हम लोग उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात कहूँ, मैं क्लास बनाता हूँ, दूसरा क्लास बनाता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट क्लास बनाया मैंने, यहाँ तक क्लियर? मैं पब्लिक करता हूँ ना, अब मैं इसके अंदर रखता हूँ इंट एज, पहले मैं कहता हूँ क्लास ना इंट एज एंड इंट रोल, ठीक है, अच्छा क्लास नहीं स्टैंडर्ड कर दो, स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जो है, अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर का नाम यही होगा जो क्लास का नाम होगा, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया इंटर, एंड मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिफ्थ क्लास के बच्चों का डेटा स्टोर करूँ, ठीक है। पहले मैं कंस्ट्रक्टर आपको नहीं बनाता, पहले मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूँ, पहले मैं बताता हूँ।
तो मैंने एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट प्रिंस, ठीक है। मान लो ये प्रिंस फिफ्थ क्लास से पढ़ता है, ठीक है। तो प्रिंस डॉट स्टैंडर्ड std बराबर फिफ्थ क्लास। नाउ प्रिंस डॉट व्हाट एज बराबर 9 एंड प्रिंस डॉट रोल बराबर 44, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अभी स्टोर हो गया, अब हम लोग सी आउट करा सकते हैं। सी आउट प्रिंस डॉट व्हाट स्टैंडर्ड, नाउ एंडल, सॉरी लाइन चेंज, प्रिंस डॉट एज, एज प्रिंट करवा रहे हैं, फिर स्पेस एंड प्रिंस डॉट रॉल, ठीक है, एंडल। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, वरना फिर से इसका जो मैंने जो कंस्ट्रक्टर बनाया वो चल जाएगा। मैंने सिर्फ B1 बनाया, मैंने बॉक्स के ऊपर कोई काम नहीं करा, बस मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो भी कंस्ट्रक्टर जुड़ा हुआ होगा उस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर होगा तो वो कंस्ट्रक्टर रन कर जाएगा। मैं इसे रन कराता हूँ। अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया, सॉरी। नाउ अब पहला तो बॉक्स B1 के अनुसार जो कंस्ट्रक्टर बनाया वो कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। फिर मैंने स्टैंडर्ड ये रहा 5, एज एंड रोल नंबर प्रिंट कराया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं हर फिफ्थ क्लास के बच्चे का रोल और एज नंबर पता लगाऊँ या स्टोर करूँ। तो मुझे हर बार प्रिंस डॉट एस टी डी या जो मैं नाम रखूँगा राज डॉट एस टी डी या शक्ति डॉट एस टी डी सब में 5 स्टोर करना पड़ेगा। मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जिसमें कि स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है वो फिफ्थ स्टोर हो जाए। जैसे ही ऑब्जेक्ट बने वैसे ही स्टैंडर्ड की वैल्यू फिफ्थ स्टोर हो जाए। तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, मैंने रख दिया यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ये याद रखिएगा हमेशा, रिटर्न टाइप नहीं लगता है इसमें। अब मैं रख देता हूँ स्टैंडर्ड में फिफ्थ, खत्म, और तो कुछ नहीं। हम लोग कह सकते हैं दिस इज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कंस्ट्रक्टर। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज नाम सेम है जो क्लास का नाम है एंड कोई रिटर्न टाइप नहीं है, मैंने इसे स्टैटिक नहीं बनाया है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। अब जैसे ही मैं प्रिंस बनाऊंगा वैसे ही स्टैंडर्ड के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा, ये पक्का। अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो मैं काम करता हूँ, मैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं इसे कमेंट करता हूँ ना, इसे कमेंट करता हूँ एंड इसे कमेंट करता हूँ, और मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ एंड एक नया लाइन में लिखता हूँ ये चीज, बस कॉपी पेस्ट एंड मैं इस मैसेज क्लास प्रिंट कराता हूँ क्लास इस, ठीक है। मैंने क्या किया कि स्टूडेंट प्रिंस बनाया, बॉक्स B1 तो दूसरे क्लास का है, स्टूडेंट प्रिंस, स्टूडेंट दूसरा क्लास है एंड प्रिंस उसका ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि प्रिंस जैसे ही बना वैसे ही अगर स्टूडेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस ऑब्जेक्ट के बनते के साथ ही वो कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। तो क्लास के इस स्टूडेंट क्लास अंदर कंस्ट्रक्टर है, हाँ है, ये रहा कंस्ट्रक्टर। जैसे ही प्रिंस बना तो ये कंस्ट्रक्टर कौन सा काम कर रहा है? ये काम कर रहा है कि स्टैंडर्ड के अंदर फिफ्थ स्टोर कर दे रहा है। तो मैंने तो कुछ यहाँ पे अभी से प्रिंट करवाया नहीं, मैं सिर्फ सी आउट करवा रहा हूँ प्रिंस डॉट स्टैंडर्ड, देखता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर चला है कि नहीं। अगर चला होगा तो स्टैंडर्ड के अंदर फिफ्थ स्टोर हो जाएगा, यस, क्लास इज 5, क्लास जो है 5 हो गया। अब इस तरह से कंस्ट्रक्टर का बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग वैल्यू को इनिशलाइज करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में, मतलब कि इसके बनते के साथ, ऑब्जेक्ट के बनते के साथ। मैं स्टूडेंट का एक और वो बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ राज, ठीक है। राज जैसे ही बनाया, राज कौन सा क्लास में चला गया? फिफ्थ। अब मैं करता हूँ राज डॉट रोल, ठीक है, 23 एंड राज डॉट व्हाट एज, ठीक है, कितना 10। अब मैं सी आउट करवाता हूँ व्हाट एज इट इज, यही सर यही वाला लाइन में प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो क्या प्रिंट होगा? यहाँ कर देता हूँ राज, नाउ राज एंड राज, ठीक है, नाउ एंडल, एंडल बोल रहा हूँ, सॉरी रन। पहले चले कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, बिकॉज जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बना वैसे ही कंस्ट्रक्टर चल गया।
फिर स्टूडेंट डॉट प्रिंस, प्रिंस जैसे बना वैसे कंस्ट्रक्टर चल गया, और कंस्ट्रक्टर चला तो क्या हुआ, स्टैंडर्ड के अंदर फिफ्थ स्टोर हो गया। नाउ क्लास इज प्रिंस डॉट एस टी डी, क्लास में फिफ्थ स्टोर हो गया। राज बनाया, अब राज भी स्टूडेंट क्लास का है, ऑब्जेक्ट है, राज स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही राज बना वैसे ही कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो स्टैंडर्ड के अंदर फिफ्थ स्टोर हो जाएगा। देखिए राज डॉट, फिर मैंने प्रिंट करा लिया राज डॉट एस टी डी 5, फिर राज डॉट एज यहाँ से मैंने जो वैल्यू दिया 10, एंड राज डॉट रोल जब मैंने यहाँ से वैल्यू दिया 23। ठीक है, आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आया कि कंस्ट्रक्टर वर्क कैसे करता है। तीन चीज़ों ध्यान रखने वाली बात थी कि वो उसका नाम सेम होना चाहिए, जिस क्लास का नाम होगा। थर्ड थिंग वॉज कि वो क्या बोलता हूँ उसे, मेंबर फंक्शन होना चाहिए, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होना चाहिए, ना कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज वॉट कि उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। आई होप गाइज कि आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा कि बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर और हम लोग किसी तरह से बना सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा या जैसा भी लगा आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, एंड प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा या वीडियो समझ में आया। एंड मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।